नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीडी जॉन में। तो जैसा कि आज हम चावल और चीनी के मूल्य में कमी वृद्धि वाला मैथ को फिर से लेके प्रस्तुत हुए हैं, और आप पार्ट वन वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि घटा हुआ मूल्य को किस तरह से ट्रिक में निकाल सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रारंभिक मूल्य या पहले वाला मूल्य को किस तरह से निकाल सकते हैं, इसमें कौन सा ट्रिक लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 केजी चावल खरीद लेता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी कितना है। तो आज के इस वीडियो में भी हम इस टाइप के दो मैथ आपको बताएंगे, और दोनों मैथ यदि आप देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपसे कभी नहीं छूटेगा, आप आसानी से इसे बना पाएंगे। तो चलिए इसका ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक है एम बटा 100 - m × x / y। अब यहाँ सवाल है कि m क्या है, x क्या है, y क्या है, जो कि पहला वीडियो में भी मैं बताया था, तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे और उस वीडियो को देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में भी m और x y क्या है इसको बता देते हैं। जैसा कि m, ये 20% को हम m मानते हैं, और ये रुपया जो लिखा हुआ 385 रुपया उसको हम x मान लिए हैं, और ये केजी में जो दिया हुआ उसको हम y मान लेते हैं। तो अब इस ट्रिक के माध्यम से आप इस टाइप का मैथ को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अभी आप इस ट्रिक में कौन क्या है वो समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा इस पे पुट अप कर लेते हैं, m पे क्या है, x और y पे क्या पुट अप होगा। तो m हमारा जैसे 20 है, और नीचे 100% के लिए दिए, माइनस m दिया हुआ है, तो फिर हम m 20 दिए, और गुना में x कितना है 385 रुपया, और कितना केजी है 3.5 केजी। तो ये 0 हटा के हम यहाँ 10 लिख सकते हैं या 0 बैठा सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखिए ये 20 बटा यहाँ पे हो गया 80 गुने 385 पर 10 बटा यहाँ पे नीचे 35 हो गया। तो आप इसको कटिंग करेंगे तो 20 से कम 20, 20 चौक 80, ठीक है। ये 5 से काट दीजिए, 7 × 5 = 35, और इधर हो गया 7 × 5 = 35, इधर भी 7 × 5 = 35, यहाँ 0 हो गया, 7 × 7 = 7, इधर हो गया 110, और ये 2 × 4 को काटेंगे, 2 × 4, और इधर हो गया 55 × 110। तो हमारा यहाँ पे कर देते हैं, हमारा फाइनली कितना आता है 55/2, तो भाग देने से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27.50, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो चलिए इसका अगला मैथ भी देखते हैं, दूसरा नंबर, और सीखते हैं इस टाइप का मैथ को बनाना। तो ये आ गया हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। तो इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण एक दुकानदार 2250 रुपये में 25 केजी चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का मूल्य प्रति केजी पहले कितना था। यहाँ भी देखिए, ये पहले मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना था उसी को पूछ रहा है। तो इस टाइप का मैथ को भी आप वही ट्रिक जो अगला मैथ में बताएं हम, उसी ट्रिक से इसको बना सकते हैं। तो हमारा ट्रिक हो जाएगा m बटा 100 - m × x / y। तो आप जान चुके हैं कि m इसको हम मानते हैं, और ये रुपया को हम x मान लेते हैं, और ये kg को
को हम वाई मानते हैं। तो आइए हम इसको यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, तो 10/100 - 10 × x कितना है, 2250/25 kg। अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10/100 में 10 गया तो 90 गुने 2250/25। अब जब इसको हम काटेंगे तो काट लेते हैं, छोटा से काटते हैं 5×25 और इधर काटते हैं 5×20 और 5×25, 5 से फिर काटेंगे 5×5, 5×9, 45। ये 9 से काटेंगे 9×9, 9×10, 90 और ये 1 0 1 0 बच गया, इसको ख़त्म कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस दोनों मैथ को बनाने के बाद आप समझ चुके होंगे कि पहले या प्रारंभिक मूल्य को किस ट्रिक से ज्ञात किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये दोनों मैथ आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ में यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और इसी तरह के और भी नए नए मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल बीडी जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।